अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कमल किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जहांगीरी चिकन टिक्का मसाला। ये बहुत यूनिक, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी होती है और ये दो स्टेप में बनती है। तो पहले हम इसको मैरिनेट करते हैं, फिर इसका मसाला तैयार करते हैं। तो पहले मैं मैरिनेट की अज्जा बताती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो मैं आपको अब इसके इन्ग्रीडियंट्स बताती हूँ। चिकन आधा किलो, गरम मसाला हाफ टी स्पून, नमक हसबे जायका, पिसी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, या आप अपनी मर्जी से ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, हल्दी हाफ टी स्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, दही आधा कप और जर्दे का रंग 1 चुटकी। चलें अब इसको सबको मिला कर मैरिनेट करते हैं। बल्कि ये सारी चीज़ों को इसमें मिला देंगे, ऑयल अदरक लहसुन पेस्ट और दही। और एक चुटकी इसमें जर्दे का रंग मिला देंगे। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके ये देखें, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें मैं रख रही हूँ ये फॉइल पेपर और इसमें हम कोयले की भाप देंगे। कोयले को पहले ही मैंने गरम करने रख दिया था। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको ढक देंगे ताकि इसकी धुआं बाहर ना जाए। इस पर फॉइल पेपर लगा दीजिएगा। ये मैंने इसको ढक दिया है, अब इसमें मैं ये लगा दूंगी ताकि बिल्कुल इसका धुआं बाहर ना निकले, अच्छी तरीके से इसी में सारी स्मोक हो जाए। तो अब हम इसको साइड करते हैं और फिर मसाला तैयार करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिए ऑयल हाफ कप, ज़ीरा 1 टीस्पून, लौंग 4 अदद, दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा लेंगे, काली मिर्चें 6 से 7 अदद और तेज़पत्ता 2 अदद ले लिया मैंने, और टमाटर मेरे पास हैं 250 ग्राम, कसूरी मेथी ले लिए सूखी मेथी 1 टीस्पून। तो अब चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल गरम करके इसमें मैं ये ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्चें और तेज़पत्ता डाल दूंगी। सिर्फ 2 से 3 सेकंड पकाऊंगी ताकि ऑयल में जो है इनके खुशबू जो है वो आ जाए। और अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको नरम होने तक पकाऊंगी। ये आप देख सकते हैं टमाटर नरम हो गए हैं। तो अब इसमें मैं ये वाला जो मसाला जो हमने मैरिनेट किया था वो डाल दूंगी।
और इसको मिलाकर हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूंगी। दस मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कलर भी आ गया है और ये चिकन इसकी गल गई है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ मेथी, सूखी मेथी, ये बिल्कुल रेडी है। बस अब इसको हम सिर्फ 5 मिनट पकाएंगे और इसमें मैं ये डाल दूंगी। इस तरह से मैंने हरी मिर्चें काटी हैं लंबी लंबी सी, तो ये डाल दूंगी। बस इसको सिर्फ 5 मिनट पकाकर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने डिश आउट कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे फीडबैक में बताएं कि रेसिपी कैसी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।